अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे आ गए हैं। ये गर्ल्स का वूलन कोट पैटर्न है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 110 से 120 फंदे डाल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस डिज़ाइन के सैम्पल का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। ये सैम्पल हमने आपको 20 फंदों पे बना के दिखाया है और 4 सिलाई में जाके ये डिज़ाइन हमारा ओवर हो जाएगा। आज का डिज़ाइन भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो हम हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पे बना रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई डिमांड है तो आप आपके डिज़ाइन हमें हमारे फेसबुक मैसेंजर पे भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सीधी सिलाई में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए, यानी कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दें, आज का डिज़ाइन बहुत सिंपल डिज़ाइन है। इसे कोई बिगिनर भी इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी पहली सिलाई ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। इस सिलाई में आपको ध्यान रखना है, जो हमारा लास्ट का फंदा आया है वो हमारा सीधा आया है, यानी कि दूसरी सिलाई में हमें इस फंदे को उल्टा बुनना होगा। तो अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा ऊन पीछे ले जाके सीधा बुनेंगे और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए, यानी कि एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी तीसरी सिलाई ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं चौथी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे, वापस ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी चौथी सिलाई भी कंप्लीट करनी होगी। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी चौथी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद पांचवी सिलाई से आपको पहली सिलाई के जैसे रिपीट करते जाना होगा और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपका पूरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। इस कोट के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पर हमारा ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आने अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching. Stay tuned and bye.